हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, मारुति सुजुकी की अल्टो 800 है, 2014 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। तो इसका मीटर खुला हुआ है क्योंकि मीटर रिपेयरिंग के लिए गया है, क्योंकि इसका मीटर में कुछ इश्यूज आ रहा था, इसकी वजह से मीटर खुला हुआ है। तो मैं आज इसका डैशबोर्ड खोलने वाला हूँ। डैशबोर्ड क्यों खोलने वाला हूँ, क्योंकि इसका हीटर चालू करते हैं ना, तो हीटिंग टेम्परेचर आ नहीं रहा है। हीटिंग टेम्परेचर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका हीटर कॉइल जो है ना, एक साइड से कूलेंट अंदर जा रहा है लेकिन दूसरी साइड से वापस नहीं आ पा रहा है, इतना फुल जाम हो गया, चोक हो गया। इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है, मैं वो सब चीज़ें सब आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये कंसोल बॉक्स का जो सेटअप दिया है इसको खोल के अलग करूँगा, उसके बाद मैं डैशबोर्ड खोलना स्टार्ट करूँगा। तो चलो सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल देता हूँ। बैटरी की वायर निकालने के बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं बैटरी की वायर बाहर से निकाल चुका हूँ और सबसे पहले मैं एक कंसोल बॉक्स का सेटअप खोलूंगा। गियर बॉक्स के ऊपर का जो कवर दिया है, तो इसमें दो स्क्रू रहेगा, एक स्क्रू इधर है और एक स्क्रू इधर, जो कि मैं खोल चुका हूँ। तो खोलने के बाद ये पूरा इजी खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। सबसे पहले मैं इसको इसका ये वाला कवर निकाल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें ये पावर विंडो की सॉकेट रहेगी। जैसा कि देख पा रहे हैं, नीचे से सॉकेट दिया हुआ है, ये वाली सॉकेट। तो इसको खोल देने का, और इसमें रबर वाला सिस्टम दिया है तो इसको ऐसे ही खींच के निकाल देने का। ये भी खोल सकते हैं, बट इसको नीचे से स्क्रू दिया रहता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, चार स्क्रू दिया हुआ है, चारों स्क्रू खोलना पड़ेगा फिर ये निकलेगा। तो मैं इसको ऐसे ही निकाल दिया हूँ, क्योंकि यहाँ रबर वाला सिस्टम दिया है तो इसकी वजह से निकल गया ये। तो इसको मैं खोल के पीछे ले लेता हूँ, उसके बाद गियर बॉक्स को खोल के पलटी मारूंगा। 4-12 नंबर दिया हुआ है, 4-12 नंबर खोल के पलटी मारूंगा, क्योंकि अपने को जो डैशबोर्ड पलटी मारेंगे ना तो होल्ड करने के लिए इजी रहेगा अपने को। उसके बाद ये वाला फाइबर खोलना पड़ेगा आपको, ये क्लिप रहेगा दो, तो उसको अंदर कर लिया हूँ मैं ऑलरेडी। तो ये ऐसे खींचेंगे तो बाहर निकलेगा, ताकि देख पा रहे निकल चुका। उसके बाद आगे जो देख पा रहे हैं, 10 नंबर ये एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है। उसके बाद ये सब खोलता हूँ मैं 10 नंबर। उसके बाद क्या क्या, इस साइड का भी पैनल खोलना पड़ेगा ये वाला। उसके बाद ये रही 10 नंबर, ये रही 12 नंबर, दो इस साइड भी 12 नंबर है, उस साइड भी। ये वाला फाइबर खोलना पड़ेगा मेरे को। तो ये सब खोलता हूँ मैं, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे, फाइनली डैशबोर्ड का जो जो भी खोलने का रहता है मैं सब खोल चुका हूँ। जैसा कि देख पा रहे, डैशबोर्ड इसीलिए हिल रही है अपना, मतलब अब इसको मेरे को निकालने का है। तो मैंने क्या क्या खोला हूँ, वो चीज़ सब दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले गियर बॉक्स को खोल के पलटी मार दिया हूँ। पलटी इसलिए मारता हूँ, आपको पता ही होगा, क्योंकि अपन जो डैशबोर्ड पलटी मारेंगे ना, तो सीट के ऊपर होल्ड करने के लिए यहाँ कोई अड़चन ना है, इसकी वजह से इसको पलटी मार देते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में जाता हूँ, पैसेंजर साइड की तरफ। तो यहाँ का 10 नंबर खोला हूँ, ये पैनल तो निकाल दिया था पहले ही, मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद यहाँ 10 नंबर है, वो खोल दिया हूँ, और उसके बाद इधर 2-12 नंबर रहेगा, ये खोल दिया हूँ। उसके बाद आगे का 10 नंबर, ये एक यहाँ रही, दो एक इधर रही, 3, ये खोल दिया हूँ, और इसका पैनल यहाँ का खोल दिया हूँ। उसके बाद ये जो सॉकेट दिख रहे हैं आपको, एक BCM का सॉकेट है और एक ब्लोअर का है, और ये काहे का सॉकेट है, ये शायद पीछे किसी वायरिंग का सॉकेट रहेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस का सॉकेट, ये आउटसाइड एयर का फ्लैप का सॉकेट, और ये वाली सॉकेट। उसके बाद ये सेंसर का, कूलिंग कॉइल सेंसर का, इस साइड का बस इतना ही निकालना पड़ेगा आपको। बाकी आप ड्राइवर साइड की तरफ आ जाओ, तो सबसे पहले 12 नंबर ये तो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि एंगल में दिया हुआ रहता है। उसके बाद नीचे देख रहे हैं, ये केबल, बोनेट केबल, ये खोल दिया हूँ यहाँ से। उसके बाद ये सब सॉकेट जो देख रहे हैं आप, ये वाली सॉकेट, ये सब सॉकेट निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डैशबोर्ड के साथ दिया है ये सब सॉकेट। बाकी और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। स्टेयरिंग कॉलम को मैं खोल दिया हूँ, यहाँ से नीचे ले लिया हूँ इसको। उसके बाद ये दोनों केबल, ये हीटर का केबल और एयर डायरेक्शन फ्लैप का केबल, दोनों निकालना पड़ेगा। बाकी मेरा सब खुल गया, बाहर से अभी कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको पलटी मारता हूँ, पलटी मार के फिर आगे आपको
दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं, अपना डैशबोर्ड खोल के पलटी मार चुका हूँ जैसा कि देख पा रहे हैं। तो अब रही ये क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, मैं इसको का एक मिनट जरा, इधर रास्ता पूरा जाम हो गया, अंदर जाने के लिए भी रास्ता, वायरिंग इतना आउटसाइड फिटिंग कर दिया इसमें के अंदर भी जाना ब्लॉक हो गया रास्ता अभी। तो जैसा कि देख पा रहे इसमें 10 नंबर दिया हुआ है, एक इधर दिया है, एक इधर दिया है और इधर रहेगा, जैसा कि देख पा रहे एक यहाँ दिया है और उस साइड रहेगा। तो ये सब खोल के फिर मैं क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकालता हूँ और बाहर मेरे को सिर्फ हीटर कॉइल और एक्सपेंशन वाल का जॉइंट खोलना पड़ेगा। तो चलो सब खोल के फिर मैं इसको फाइनली बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के फिर आगे आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बाहर से अपने को एक्सटेंशन वाल ये वाला, और ये जैसा कि देख पा रहे हैं खोल दिया हूँ, और ये हीटर का पाइप दिख पा रहे हैं, ये वाला दोनों हीटर का पाइप खोलना पड़ेगा। बस जैसा कि देख पा रहे हैं ये भी खुल चुका। तो चलो फिर अंदर अपन चलते हैं कंट्रोल में बाहर निकालते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली सब बोल्ट और नट, तीन बोल्ट रहता है और सॉरी चार बोल्ट रहेगा, दो नट रहेगा नीचे नीचे साइड, तो सब मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ। अब मेरा ये बाहर आ जाएगा। और एक बात बोलना भूल गया, कूलिंग कॉइल अगर आप रिप्लेस करेंगे ये वाली मॉडल में तो यहाँ बाहर से बगैर डैशबोर्ड खोले चेंज कर सकते हैं आप कूलिंग कॉइल, लेकिन बट हीटर कॉइल चेंज करना है इसकी वजह से मेरे को डैशबोर्ड खोलना पड़ रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे इजीली निकल गया अपना, सब खोल दिया हूँ देख पा रहे पूरा इजीली निकल गया। तो चलो फिर मैं इसको बाहर लेता हूँ, बाहर लेकर के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे बाहर ले चुका हूँ मैं क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, देख पा रहे पूरा निकल चुका है। तो ये रही मेरा हीटर कॉइल, तो ये जो स्क्रू दिया हुआ रहेगा एक ये वाली, और एक नीचे रहेगा शायद के नीचे नहीं है यही है। तो इसको खोलता हूँ, खोल के फिर हीटर कॉइल बाहर लेता हूँ, फिर नया वाला भी हीटर कॉइल दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि देख पा रहे हैं सबसे पहले आप इसका प्राइस देख लीजिए, 905 रुपये प्राइस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी पार्ट्स खरीदेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके वजह से। तो खोल के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि प्राइस का बहुत इश्यू होता है, 1000 रुपये का सामान तो 2000-3000 तक लेता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये रही नया वाला हीटर कॉइल, और ये देखिए आप यहाँ पे जाम कितना हो गया, कितना पानी का कलर जो देख रहे हैं कूलेंट का कलर कैसा हो गया, और साइड में देख लीजिए आप पूरा ब्लॉक होने को आ गया है क्योंकि तो हीटिंग टेम्परेचर नहीं आ रहा था। तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ, खोल के कूलिंग कॉइल पे तो छेड़ेंगे नहीं, खोल के फिर बाहर निकल के आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं जिसको यहाँ रहता है और एक नीचे भी आ रहा है, पानी खोल दिया बाहर आ जाएगा। तो इसमें मैं नया वाला हीटिंग कॉइल डाल देता हूँ, पोजीशन में खोलेंगे उस पोजीशन में डालने का रहता है, तो फिर उल्टा करेंगे तो बैठेगा नहीं। तो चलो फिर ये इसका ये जो फाइबर है इसमें फिटिंग करके फिर अभी आपको फाइनली दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली फिट हो चुका। तो चलो फिर मैं इसको गाड़ी में, वीडियो वाली इधर है, फाइनली गाड़ी में फिटिंग करके अभी आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली फिट हो गया सब, मैं फिटिंग कर दिया हूँ क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट। अब मेरे को डैशबोर्ड डालने का है, तो डैशबोर्ड फिर मैं डाल देता हूँ बाहर, बस पाइप फिटिंग करना है मेरे को, पाइप और वो एक्सटेंशन वाल जो दिखाया था। तो सब चीज़ें मैं बाद में फिटिंग कर लेता हूँ, जब तक के डैशबोर्ड डाल देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो ना तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करेंगे ना तो इस टाइप इस तरीके का वीडियो मैं आपको बना करके आपके सामने लाता रहूँगा। और आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे खुशी होगी, तब खुशी होगी तो मैं खुशी से अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलो फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं, इसको डाल देता हूं फिर आगे आपको मैं दिखाता हूं। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं इसमें बोन लगाया हूं ये वाला 3 बोन, क्योंकि एक बार आप चिपका देंगे ना इसको तो वापस से वो निकलेगा नहीं, या फिर लीकेज वगैरह नहीं होगा। तो चलो फिर मैं 3 बोन लगा करके इसको चिपका के फिर आगे आपको दिखा देता हूँ। तो
जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली फिट कर दिया, मैं थ्री बोन से चिपका दिया हूँ हीटर का पाइप ताकि लीकेज वगैरह ना हो कुछ। एक्सपेंशन वाल भी लगा दिया हूँ। तो चलो फिर अंदर मैं डैशबोर्ड डाल के ही दिखाऊंगा आगे आपको। तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली मैं डैशबोर्ड डाल दिया हूँ जैसा कि देख पा रहे। तो बाकी सब मैं फिटिंग करता हूँ जैसा कि देख पा रहे। वायरिंग व्रिंग सब फिट है, इधर उधर आउटसाइड वायरिंग बहुत फिटिंग था इसमें, इसके वजह से इतना ध्यान देख रहा है। तो चलो ये सब फिर मैं फिटिंग करता हूँ, फाइनली फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली गाड़ी पूरी फिट हो चुकी है। डैशबोर्ड जो जो भी खोला गया था सब फिट हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब फिट हो गया है। तो सिर्फ मैं आपको एक चीज दिखा ये रहा हूँ कि इसका एक 12 नंबर आपको यहाँ का खोलना पड़ेगा, जो कि मैं वीडियो में दिखा नहीं पाया था उस टाइम। ये जो देख पा रहे हैं ना डैशबोर्ड, जब भी खोलेंगे तो ये वाला खुलना पड़ेगा, तभी जाके के आपका डैशबोर्ड खुलेगा। तो बाकी अपना सब फिट हो चुका है। तो मीटर जैसा क्लस्टर मीटर मैंने आपको बताया कि रिपेयरिंग को लेके गया है, इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो चलो फिर मैं गैस चार्जिंग प्रोसेस में लेके जाता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे लो हाई और लो एलर्ट लगा हुआ है, और मैं इसको वैक्यूम में लगा देता हूँ। दस मिनट के लिए सेट करूंगा। तो चलो फिर 10 मिनट बाद वैक्यूम होने देते हैं, 10 मिनट बाद मिलते हैं आपको। तो जैसा कि देख पा रहे वैक्यूम अपना कंप्लीट हो गया, इसमें तो ऑयल इंजेक्ट करेंगे नहीं, डायरेक्ट गैस मारता हूँ, 300 ग्राम गैस मारने का अपने को इसमें। देख पा रहे 300 ग्राम गैस फिल हो गया। तो चलो फिर मैं अंदर जाता हूँ गाड़ी चालू करके, कूलिंग टेम्परेचर हीटिंग टेम्परेचर दिखाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और गाड़ी अभी चालू है। क्लस्टर मीटर तो है नहीं इसमें, जो मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि क्लस्टर मीटर रिपेयरिंग को दिया है। तो एसी मैं चालू रखा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे एसी ऑन है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 6.6, 6.2, 5.9। ट्रिप मार दिया कंप्रेसर, यानी कूलिंग प्रॉपर मस्त कूलिंग हो रहा है। तो चलो फिर मैं इसका हीटर हाई कर रहा हूँ, हीटिंग टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हीटर हाई किया हूँ और हीटिंग टेम्परेचर आप देखिए बढ़ रहा है। एसी ऑन है मेरा, एसी ऑन में भी अभी हीटिंग टेम्परेचर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि पहले आप अगर आपका हीटर कॉइल में अगर फॉल्ट वगैरह कुछ रहता है या जाम रहता है, तो एसी आप अगर चालू करते हैं और हीटर हाई पे रखते हैं, तो अगर हीटिंग टेम्परेचर में किसी वेंट में नहीं आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, किसी में ज़्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ हीटर का फॉल्ट है, इसके वजह से हीटिंग टेम्परेचर आपका नहीं आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी एसी चालू है और हीटिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 47-48 बढ़ रहा है अभी भी, और भी बढ़ेगा। हाँ, एक एसी चालू रखते हैं तो हीटिंग टेम्परेचर माइनर कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि जब आप एसी चालू करते हो ना, तो आगे जो फैन जो चालू होती है ना, रेडिएटर फैन जो चालू हो जाता है ना, तो इंजन को ज्यादा गर्म होने नहीं देता, यानी कूलेंट को ज्यादा गर्म होने नहीं देगा। तो ज्यादा जब गर्म होने नहीं देगा तो वही गर्म कूलेंट अंदर आता है तो उसको ठंडा रखेगा। तो जितना गर्म कूलेंट अंदर आएगा उतना ही हीटिंग टेम्परेचर आपको अंदर मिलेगा। तो फैन जब चालू रखते हैं, एसी चालू करते हैं, तो फैन चालू होता है तो हीटिंग टेम्परेचर आपका थोड़ा कम आने का संभावना है, लेकिन बट उतना कम नहीं आएगा कि ना के बराबर। तो जैसा कि देख पा रहे आप 60 पे चला गया, अभी भी बढ़ रहा है, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए, बस बाकी और कुछ नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आपको, वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, खराब लग रहा है तो भी बताइए, कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि मैं वीडियो किस तरीके से बना रहा हूँ। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।